स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचना। यह एक माइक्रोस्कोपिक संरचना है जिसमें चार भाग पाए जाते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। शुक्राणु के पूरे बॉडी पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। स्पर्म के हेड में हैप्लोइड न्यूक्लियस पाया जाता है। स्पर्म के एंटीरियर सिरे अर्थात न्यूक्लियस के ऊपर एक कैप जैसी रचना पाई जाती है जिसे एक्रोजोम कहते हैं। इसे एक प्रकार के एंजाइम का सराह होता है जिसे स्पर्म लाइसिन कहते हैं, जो ओबम के फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। स्पर्म के मिडिल पीस में कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो स्पाइरलिंग व्यवस्थित रहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म के टेल के मूवमेंट के लिए एनर्जी का निर्माण करता है जो स्पर्म को मोटिलिटी प्रदान करता है जिसे स्पर्म ओबम के साथ फर्टिलाइज कर सके। ह्यूमन मेल क्वाइटस के समय अर्थात संभोग के समय एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म को इजैकुलेट करता है, जिसमें से 60% नॉर्मल शेप के और 40% स्पर्म के पास बहुत अधिक मोर्टालिटी होती है।